Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss multiple choice questions from calculus in the topic of integration. और आज का लेक्चर बी एस मैथमेटिक्स एम एस सी मैथमेटिक्स, लेक्चर इन मैथमेटिक्स पी पी एस सी एफ पी एस सी एन टी एस के लिए ये बहुत आपका तैयारी के लिए इन बड़ा हेल्पफुल होगा आप इस लेक्चर के शुरू होने से पहले आप मेरी प्ले लिस्ट में मोटिवेशनल वीडियोज में जाकर हाउ टू सेलेक्ट एम सी क्यूज या टिप्स ऑफ एम सी क्यूज बाई नासर महमूद ट्रिक्स ऑफ एम सी क्यूज बाई या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रिक्स बाय नसर महमूद ये वीडियो आपने जरूर देखनी इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने किस तरह चॉइस करना है यानी आपको अगर नहीं भी आता तो उसमें आपने ट्रिक कैसे लगानी है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी तो लेट स्टार्ट पहला क्वेश्चन है पाई पावर साइन एक्स इट्स इंटीग्रल ये ऑप्शन है कॉज एक्स पाई पावर साइन एक्स पाई पावर कॉज एक्स और डी है पाई पावर साइन एक्स ओवर लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉज एक्स हमें पता है ए पावर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो ए पावर एक्स ओवर लॉग ए होता है और अगर ये कोई फंक्शन है तो साथ इसका डेरिवेटिव होता है तो ये समझो ए है ये समझो ए, उसका फंक्शन है तो ए पावर एक्स ओवर लॉग ए लेने लॉग पाई और साथ को इस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर आया जी बिल्कुल सेम इसी तरह है ये टू पॉइंट सेवन वन ये टू पॉइंट जो सेवन वन है ये वैल्यू ई होती है तो ई पावर एक्स ये बी आया लॉग ई पावर एक्स का वैसे तो इंटीग्रल जो होता है वो ई पावर एक्स सी होता है लेकिन ओवर लॉग ही और लॉग ही वन होता है तो यहां पे यह समझो कि अगर यहां पे अगर, अगर, अगर आपको ई की नहीं भी समझ आ रही तो ए ही समझ लें ए पावर एक्स ओवर लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डायटो वन वो ऑप्शन बी आया बाकी आपका इसमें ए सी और डी नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है विच फॉलोइंग इज ए सूटेबल सब्सिटुएशन टू हैंडल द इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म तो इसके लिए हमें पता है कि एक्स स्क्र माइनस ए स्केयर हो तो इसमें पुट एक्स इक्वल टू ए सीकंडटा पुट करते हैं और अगर एक्स स्क्र प्लस ए स्केयर हो उसमें स्केयर रूट हो या ना हो तो उसमें एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं और ए स्क्यर माइनस एक्स स्केयर हो तो उसमें यानी ए स्क्यर माइनस एक्स स्केर हो तो इसमें पुट तो किया जाता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा तो ये दरमियान में चूंकि प्लस है तो इसमें आएगा पोटेक्स इक्वल टू ए टेन थीटा बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो आगे आ गया जी एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र आ गया तो इसमें चूंकि हाइपरबोलिक सब हैं एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र स्क्र रूट होता है और एक एक्स स्क्र प्लस होता है अगर प्लस हो तो इसमें एक्स इक्वल टू

फ द इंटेग्रल इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स ओवर लीनियर मल्टीप्लाइड बाई लीनियर का स्केयर रूट तो इस सूरत में जब लीनियर और लीनियर का स्केयर रूट आए तो हमेशा जेन में रख रहे हैं कि लीनियर का जो स्केयर रूट है उसे जेड स्केयर पोर्ट करना है तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी ही आसान हो जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉर्मेंग इज सुटेबल फार डी एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स माइनस एक्स पावर वन ओवर थ्री तो एक्स आपका ऑप्शन है वन ओवर जेड एक्स इक्वल टू जेड ये दोनों ही सूट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जब स्केयर रूट आएगा तो ये तो तकरीबन वही फॉर्म बन जाएंगे एक्स इक्वल टू जेड स्केयर तो इसमें भी वन ओवर थ्री है तो अगर एक्स इक्ल टू जेड पावर सिक्स आप ये इसको टिक करते हैं तो एक्स पावर वन ओवर जो थ्री है यह बन जाएगा जेड स्केयर और एक्स का स्केयर रूट है तो ये बन जाएगा z क्यूब तो फिर इससे आपका ऑप्शन डी से ये सिंप्लीफिकेशन बड़ी इजी हो जाएगी तो इसका ऑप्शन डी है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है द सूट ऑफ सब्सिट्यूशन फॉर डी एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल एक्स नहीं आना जेड इक्वल एक्स बाई टू सिक्स और साइन एक्स साइन एक्स से तो वही फॉर्म बन जानी है इससे भी सीखंड एक्स की कोई सूटेबल सब्सिट्यूशन नहीं आती तो ये आपको पता है कि मैजिक सब्सिट्यूशन जो है इसे मैजिक सब्सिट्यूशन कहते हैं टेन एक्स बाई टू इसमें जो डी जेड है ये आपने प्रूव किया होगा सॉरी डी एक्स इसमें आता है टू डी जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्र तो ये मैजिक सब्सिट्यूशन इसमें टे जब इस तरह का फॉर्म वन प्लस साइन एक्स या वन प्लस कॉज एक्स आए तो उस सूरत में ये आता है और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन एक्स जो है वो टू जेड ओवर वन प्लस जेड स्केयर होता है क्वेश्चन नंबर एट है लॉग एक्स तो तो इसका इंटीग्रल ये आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग एक्स है इसका जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें बाई पार्ट्स ये पहला फंक्शन होता है ये दूसरा फंक्शन होता है तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स जब आप करते हैं तो इसका आंसर है x log x minus x plus c c अगर ना भी लगाएं अंडरस्टूड है तो इसमें 1 ओवर x आपको पता है log x का डेरिवेटिव होता है ये नहीं आना log x का log x नहीं हो सकता log log x ये और चीज होती है तो इसका यही ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर c आपका आंसर आया जी क्वेश्चन नंबर नाइन है डी एक्स ओवर एक्स स्केर माइनस वन आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इसका जो इंटीग्रल है वो वन ओवर टू है ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ लॉग एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर है तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें वन है इसमें अगर आप पुट ए इक्वल टू वन पुट करते हैं तो ये बन जाएगा वन ओवर टू ए लॉग एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र यानी वन स्क्वेयर वो वन होता है एक्स स्क्र प्लस ए स्केयर वो भी वन आया तो ये कॉज हाइपरबोलिक साइन और ये तीनों ही नहीं आने हैं इसका ऑप्शन बी है बाकी आप जरा पढ़ सकते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर टेन है वन टू इनफिनिट ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ गया डी एक्स ओवर इसका आंसर क्या है इसका आंसर वन यानी इंफिनट है जीरो है नन है या वन है तो मैं आना तो इसका आंसर वन है ये थोड़ा सा आपको मैं प्रूव कर देता हूं तो ये जरा देखें वन ओवर एक्स स्क्स वन टू इंफिनिट का इंटीग्रल एक्स पावर माइनस टू ऊपर जाके होगा उसकी पावर में एक प्लस किया वो इंटीग्रेट किया तो ये माइनस वन बाहर आ गया वन ओवर एक्स हो गया वन टू तो इनफिनट ये माइनस अपनी जगह पे ही रहा तो ये वन ओवर इन्फिनट माइनस वन ओवर वन माइनस वन ओवर ऑफ आपको जीरो होता है और ये माइनस वन ओवर वन वन हो गया तो ये माइनस वन प्लस वन यानी ये प्लस वन आपका आंसर इसका आया क्वेश्चन नंबर अलेवन है माइनस इन्फिनिट ई पावर एक्स इंटीग्रल ई पावर यानी माइनस इनफिनिट से जीरो है माइनस इनफिनिट टू जीरो माइनस इनफिनिट टू जीरो माइनस ई पावर माइनस इनफिनिट आ गया जी तो ई पावर जीरो आपको पता है वन होता है और ये वन ओवर ई पावर इनफिनिट तो ये वन ओवर ई पावर इनफिनिट भी इनफिनिट होता है तो वन माइनस इन्फिनिट यानी ये वन माइनस जीरो सॉरी वन माइनस जीरो वन आया तो इसका आंसर ना माइनस इनफिनिट जीरो भी नहीं है इनफिनिट भी नहीं है ये क्या आया जी वन आ गया अलेवन का आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स पावर होल पावर फोर डी एक्स इसका ऑप्शन है ए जीरो बी वन ओवर सेवनटीन सी टू ओवर थर्टी फाइव और डी ट्वेल्व तो इसको थोड़ा सा मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं तो ये ज़रा देखें साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स पावर फोर तो साइन क्यूब को जब क्यूब वाला जो होता है अगर तो उसको वो ब्रेकअप करते हैं साइन स्क्यर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस पावर फोर एक्स साइन स्क्यर को आपको पता है वन माइनस कॉस स्क्यर एक्स ले सकते हैं या साइन एक्स साइड पे हो गया तो इनको अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो कॉज फोर एक्स माइनस कॉज एक्स पावर सिक्स साइन एक्स जीरो टू तो इन्फिनट तो ये साइन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई करके आगे आपने इसको ज़रा सॉल्व करते जाएं तो ये इम इंटीग्रल ये सारा सोल्यूशन आपके सामने है आप इसको ज़रा पास करके इसको अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं तो ऑप्शन जो आपका रिजल्ट आया वो टू ओवर थर्टी फाइव है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये सी का ऑप्शन ना जीरो है ना वन ओवर सेवनटीन है

तो आप सारे को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आपका यानी टू ओवर फाइव आंसर आएगा ये उम्मीद है कि आपको एम की समझ आई होनी है और इससे पहले आपने वो अगर अभी भी नहीं आपने देखी तो वो मोटिवेशनल वीडियोस में ट्रिक्स ऑफ एम सी क्यूज़ बाई नासर महमूद वो आपने ज़रूर समझना है अगर आपको किसी किस्म के क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो आपने तुक्का या ट्रिक कैसे लगानी है तो वो भी ज़रूर देखना अगर आपको समझ आई है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें बहुत शुक्रिया जी थैंक यू जी